हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी रेसिपीज विद आकांक्षा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड मलाई टोस्ट की यूनिक और डिलीशियस सी रेसिपी, जो बहुत हेल्दी होगी, कम समय में बन जाएगी और दिखने में एकदम पिज्जा जैसी लगेगी, जिससे बच्चे तो इसे पूरा फिनिश कर देंगे और डेली आपसे यही बनवाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड मलाई टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पहले से ही कुछ वेजीज कट करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने एक प्याज को काटा हुआ है, आधा टमाटर काटा हुआ है और एक शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके लिया हुआ है। अब इन सभी वेजिटेबल्स को हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कैरेट या कॉर्न, स्प्रिंग अनियन, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच रवा डाला है। नेक्स्ट हमने इसमें फ्रेश मलाई यूज़ की हुई है। 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो डालेंगे, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। नेक्स्ट नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मलाई आप इतनी लीजिएगा कि सभी वेजिटेबल्स अच्छे से बाइंड हो जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मेयोनीज वगैरह का यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने चीज़ का यूज़ किया है, तब भी हमारा ब्रेड मलाई टोस्ट एकदम पिज्ज़ा जैसा लगेगा। चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड के स्लाइस दिए हुए हैं, जिनमें हमने टोमेटो केचप को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। आप यहाँ पर पिज्ज़ा सॉस का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो मिक्सचर हम बना करके रेडी किया हुआ था, उसे भी ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। सभी कॉर्नर्स तक अच्छे से हमें स्प्रेड कर लेना है। दूसरी वाली ब्रेड में भी इसी तरह से हम ये मिक्सचर को स्प्रेड कर लेंगे। अब हमने इसमें ऊपर से कुछ सेसमी सीड्स डाले हुए हैं, जिसमें हाई प्रोटीन और फाइबर होता है और बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी होने वाला है। आप देख सकते हैं ये एकदम पिज्ज़ा जैसा लग रहा है। ये स्लाइस बन करके तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं इन्हें सेकने के लिए। सेकने के लिए यहाँ मैंने नॉन स्टिक पैन को गरम करके लिया हुआ था। अब जो मैंने टोस्ट तैयार करके रखा हुआ था, उसे इस पर डाल देंगे। डालने के लिए याद रखिएगा कि जिस साइड हमने मिक्सचर को लगाया हुआ था, वो साइड हमारा नीचे रहना चाहिए। नीचे से जब ये अच्छे से सिक जाएगा, तब हम इसे धीरे से दूसरी साइड को पलट लेंगे और ये सारा ही प्रोसेस हमें लो फ्लेम में करना होगा। यहाँ मैंने ना ही बटर का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई ऑयल का इस्तेमाल किया है, तब भी देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है इसमें। अब ये देखिए, ब्रेड मलाई टोस्ट हमारा सिक करके एकदम रेडी हो गया है और ये दिखने में भी एकदम पिज्जा जैसा लग रहा है। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या बच्चों को टिफिन में या शाम के टी टाइम स्नैक के रूप में भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होने वाला है ये। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।